जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है, ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। ब्रज रज में में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन जावे, ब्रज रज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन जावे, तू जब कन्हैया खेलो कन्हैया खेलो, रज को याई रज को शीश लगा लियो तू जब वृंदावन आवे, रज को शीश लगा लियो तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जपले माला सांचो भावना जड़ वाला, नाम की जपले माला सांचो भावना
भाव बनाए ब्रज गावे, साचो भाव बनाए ब्रज गावे। ओ राधा नाम की जप ले मारो, राधा नाम की जप ले मारो, राधा नाम राधा नाम ही में बसाए लियो तू जब वृंदावन। कांजू सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति ही शांति ही शांति। सभी जोर से बोलेंगे, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबको चाहिए शांति। हम लोग सब चाहते हैं, हर कंट्री भी शांति चाहती है, लेकिन अगर आप दूसरों को तंग करके, दूसरों को दुख देके अगर आप शांति चाहते हो
तो शांति नहीं मिलेगी। आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं, आप एक बात बताइए, भगवान शांति दूत बन के गए थे कौरवों को समझाने के, शांति दूत? जोर से बोलो, क्या कौरव माने? दुर्योधन माना? बोली क्यों नहीं माना? क्योंकि उसे शांति की भाषा समझ में आती ही नहीं, आती नहीं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि दुर्योधन में और पाकिस्तान में बहुत सारी बराबरी है, वो भी समझने वाला नहीं। कितने भी शांति दूत भेज दो, अमेरिका से कहता रहा यहां लादेन नहीं है, लादेन नहीं, और लादेन मिला तो उसी की गोद में मिला, मिला कि नहीं? कि वो हमारे नागपुर से उठा के ले गए थे लादेन को, कहां से लेके बताओ? पूरी दुनिया जानती है, इसके बावजूद भी एड्रेस मांगते हैं, पूछते हैं, सबूत मांगते हैं, ये ठीक नहीं। आंखों पे पट्टी, आज की जनता वो नहीं है जो नेता बोल देंगे वही सच होगा। अगर कुछ चीजें तथ्य दिखते हैं तो उन पे भी हम लोग मानते हैं, यकीन करते हैं, तथ्य हम लोग देखते हैं, सब जनता तथ्य देखती है। तो हम बात कर रहे हैं शांति की, हम लोग बात कर रहे हैं सुख की। धन के बाद ही आपको सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, ये बात ठीक नहीं। किस किस को सुख चाहिए, किस किस को शांति चाहिए, बोलिए। जिन जिन को चाहिए हाथ उठा सकते हैं, हमको शांति चाहिए, चाहिए, वेरी गुड। शांति की कोई ऐसी दुकान है नागपुर में जहां पैसे दें और शांति ले आए? थोड़ा हाई फाई मॉल हो गए जहां एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी और शांति मिल जाएगी, ऐसा कोई प्लेस है? कोई तो होगा नहीं? शांति मिलती कहां है? एक बहुत ही धन संपन्न एक देवी जी, बहुत धन संपन्न, बहुत उनपे धन था, नाम था शहर में, बड़े ही संपन्न परिवार से थी, बड़े गहने वहने पहने हुए थे, बड़ी संपन्न दिख भी रही थी। तो एक दिन वो मनोचिकित्सक के पास पहुंची, एक डॉक्टर के पास गई मनोचिकित्सक। और मनोचिकित्सक के पास में पहुंचकर उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं सुखी नहीं रह पाती हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है, बढ़िया मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, सब है, हमारे पास सब कुछ, पति है, बेटा है, परिवार है, सब अच्छा, इसके बाद भी मैं संपन्न होते हुए भी प्रसन्न नहीं हूं, आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं, आनंदित हो सकूं, सुखी हो सकूं। डॉक्टर साहब ने कहा, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा इलाज हो जाए ऐसे एक व्यक्ति से मिलवाते हैं। किससे मिलवाओगे? तो डॉक्टर साहब ने एक उसी हॉस्पिटल में जो झाड़ू लगा रही थी उसको बुलाया, 45-50 साल की एक देवी जो वहां झाड़ू लगा रही थी उनको बुलाया। बोली, ये प्रसन्न नहीं है, इनके पास में सब कुछ है, इनकी प्रसन्नता के लिए कोई उपाय बताओ। तो डॉक्टर साहब के पास गई हुई महिला, क्योंकि बड़े लोगों को लगता है बड़े हॉस्पिटल बड़े डॉक्टर ही हमारा इलाज कर सकते हैं, नहीं, उसको लगा ये झाड़ू लगाने वाली हमको समझाएगी, ये सिखाएगी हम। फिर भी पूछा, बताइए। उस महिला ने कहा, 3-4 साल वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हो गया, तो मैं ये सोच के जी रही थी
कि एक इकलौता बेटा है उसके सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगी। देव योग कहें या क्या कहें, 3 महीने पहले वो भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। अब जीना मुश्किल हो गया मेरे से, मैं जीऊं कैसे, न पति न पुत्र, मानो सारी दुनिया भर की विपत्तियां मेरे ही ऊपर आ गई हैं। मुझे ऐसा लगा, खाना पीना हंसना आना जाना सब बंद हो गया। एक दिन की बात है, मैं यही हॉस्पिटल से जा रही थी तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे लगा और वो बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे, मैं रोड क्रॉस करूं तो वो मेरे पीछे रोड क्रॉस करके आ गया। मैं घर पहुंची तो वो मेरे घर तक मेरा पीछा उसने किया और उसकी हालत देखकर लग रहा था वो भूखा है। मुझे दया आ गई और मैंने उस बिल्ली के बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाया और जब मैंने उसे दूध पिलाया तो बिल्ली का बच्चा बहुत भूखा था, बहुत भूखा था। कुछ ही देर में उसने वो दूध का सारा जो है पात्र खाली कर दिया, चट कर दिया बड़ी जल्दी जल्दी। तब उसे देखकर मुझे पहली बार खुशी हुई और मैं मुस्कुराने लगी। बेटे के जाने के बाद पहली बार उस बिल्ली के बच्चे को देखकर मेरे मन को तसल्ली मिली। सोचा ये बिल्ली का बच्चा चला जाएगा तो फिर वो उसी समय पे उसी स्थान पे फिर मिला और फिर पहुंच गया और अब वो मेरे ही घर में रहता है और मैं बची हूं। जब से उसको दूध पिलाया मैंने या जब से उसकी हेल्प की या जब से उसकी सेवा की, मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है और अब मेरा रोने का मन नहीं करता, अब मेरा जीने का मन करता है। उसकी मदद करके उसकी हेल्प करके जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मुझे आनंद हो रहा है, वो मैं किसी को बता नहीं सकती। एक झाड़ू लगाने वाली इस बात को समझा रही है और एक बहुत बड़े धनवान संपन्न परिवार से संपन्न वो स्त्री सुन रही है। वो सोच रही है कि सही माने में धनवान कौन है, ये कि मैं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं और इसके पास कुछ भी नहीं पर खुशी इसके पास है। सही बात तो यह है, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं है कि हम कितने प्रसन्न हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य यह नहीं है या सुख की एक पहचान यह नहीं है कि हम कितने प्रसन्न हैं, सफलता की यह पहचान नहीं हम कितने प्रसन्न हैं, बल्कि हमारे जीवन की सफलता की पहचान यह है कि हमसे कितने लोग प्रसन्न हैं। हमसे कितने लोग प्रसन्न हैं यह महत्वपूर्ण है तुम्हारे जीवन में। इसीलिए अगर कोई कहे अगर हम किसी को खुशी देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी खुशी का कारण वही बनेगा। Help others, then God will help you. तुम दूसरों की मदद करो तो निश्चित तौर पे परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। इसी में इससे कोई जुटला नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे बोलेंगे कैसे काम चले। आज व्यक्ति दुख है, उसके जीवन में दुख है, वो दुखी है। क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ अपने सुख की इच्छा रखता है और जो जीव सिर्फ अपने सुख के पीछे भागते हैं वो पूरे जीवन भर कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। हमारे पहले लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, क्यों? अब थोड़े से 20 25 50 साल पहले जाइए, वो लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो सबके बारे में, गली मोहल्ले परिवार गांव वाले के बारे में सोचते थे। आजकल सोचता कोई? बोलिए। उन पे उतने साधन नहीं थे पर फिर भी प्रसन्न थे। हम पे साधन बहुत हैं फिर भी हम दुखी हैं। इतने साधन होने के बाद भी अगर हम दुखी हैं तो इसकी वजह क्या है?
हमारे अंदर जो सेल्फिश व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ओनली फॉर मी, ओनली फॉर माई फैमिली, इट्स टू बैड. जो दोगे वही मिलेगा. खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुशियां बांटो, सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख बांटो. जब तुम दूसरों को सुख बांटने लगोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें भी सुख मिलने लग जाएगा. बोलो राधे राधे. कल क्या हुआ था? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की 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 जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल की. बड़ो ही आनंद सब ब्रज गोपी, ब्रज के ग्वाल बाल, मैया यशोदा बाबा नंद को बधाई देवे के लिए पहुंचे. सब लोग बधाई दे रहे हैं, बधाई बांट रहे हैं. बाबा ने भी खूब लुटायो, अपने सब भंडारे खोल दिए. भैया जाको जो चाहिए सो ले जाओ, कोई रोक टोक नहीं काऊ के लिए. और जिन पावा रखा नहीं ताहू, जिनको मिला उन्होंने भी रखा नहीं. क्यों नहीं रखा? बोले जिन्हें श्याम मिल गया हो उन्हें और किसी वस्तु की क्या चाहत हो सकती है. व्यक्ति जो वस्तु के पीछे भागता है वो परमात्मा तक कहां पहुंच पाएगा? और जिन्हें परमात्मा मिल जाए उन्हें वस्तुओं से मोह रहेगा क्या? और क्यों रहेगा? एक, ये सारी बातें हम सब जानते भी हैं पर मानने को तैयार नहीं होता. इसी का नाम तो माया है. इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है, दुनिया छूट जाए लेकिन माया नहीं छूटनी चाहिए हाथ से. आज तक तो ये माया किसी के साथ गई नहीं. तुम ले जाओ तो बड़े अच्छे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, बनाओ गोल्ड मेडल दिलवा देंगे तुमको. इनमें से कुछ ले जाओ तो माताएं बड़ा बड़ा गोल्ड पहनती हैं, पहनती है कितना गोल्ड यहां पहन के आती हो कि नहीं? या नहीं आना चाहिए कथा में कभी पहन गए, चोरी हो जाए तो गोल्ड बेचैन हो जाते हैं. जहां भी भीड़ हो, जहां संख्या अधिक हो, वहां कभी ये सब गहने पहनकर महंगा फोन लेके मत जाओ. जहां तुम्हें बाद में कुछ हो जाए तो फिर उस चीज कहो कथा में क्या फायदा, वहां तो चोर भी आते हैं. अरे कथा है किसकी? कमाल करते हो, कथा में जाओ चोरी हो जाए है किसकी, ये क्यों नहीं जान पहचानते हो? चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों का सरदार है जिसकी कथा सुनने तुम आए हो. तो उसके चेले नहीं आएंगे यहां? चोरों का सरदार जिसकी कथा आप सुन रहे हैं माय डियर, तो उसके चेले चपाटे सब आते. लेकिन अब यहां जो चोरी करने आए वो ये ना समझे कि महाराज ने भी हमारा समर्थन कर दिया, क्या बात है. ये तो इनको मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए भी बता दूं, जो व्यक्ति अच्छी जगह से भी बुरे, वैसे तो बुरा काम कभी करना नहीं चाहिए, मंदिर में और रिलीजियस प्लेस में और कथा पंडाल में, यहां जो चोरी करता है इसकी सजा 10 गुनी और बढ़ जाती है. वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलत काम अच्छी जगह क्यों, जीवन में कभी करो ही नहीं, पर फिर भी तुमको तुम्हारा हैबिट ही बन गया है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी भोगना. लेकिन आज धार्मिक प्लेसों में जाकर भी अगर हम गलत काम करें तो इसकी सजा 10 गुनी हो जाएगी. और कई गलत पाप तो ऐसे हैं जो तीर्थ में करने से वज्र पाप हो जाते हैं, जो मिटते ही नहीं है. दुनिया भर में पाप करो, भगवान की कथा सुनो तो मिट जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा में ही पाप करो तो
आपने जीवन में पाप की, गंगा स्नान करने गए, सारे पाप गंगा में धुब गए, लेकिन गंगा तट पे ही पाप करो तो वो फिर कहीं नहीं धुलने वाले, वो फिर कहीं नहीं मिटने वाले। ये ध्यान रखें इस बात। तो जो चोर यहां बैठे हैं, चोर छोड़िए, आजकल तो चोरनियां भी हैं। गजब की बात तो तब हो गई जब आजकल लोगों ने अपने बच्चों से भी चोरी करवाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे, उनमें ध्यान किसी का जाता ही नहीं। इतने इतने से निक्के निक्के से शादी में जितने भी जेवर के बैग चोरी होते वो बच्चे ही चुराते हैं आजकल, और बढ़िया सूट वेट पहना के भेजते हैं, जिससे बेटी वाला समझता है बेटे वाले के यहाँ से आया होगा, बेटे वाला समझता है बेटी वाले के यहाँ से होगा, और वो पता है वो मजे से दावत भी खाता है, जो तुम खाते हो चकाचक वो भी खाता है, और भाई कहता टाई पहन गया था, और उसे पता होता है पूरा, बेटी वाले को नहीं पता होता किस बैग में गहने होंगे, उसको पता होता है कौन से बैग में गहने होंगे, वही बैग उठाता है वो, 8-9 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 का तो छोटा हो जाएगा, जो चल सके ऐसे ऐसे बच्चों से चोरी करवाते, बोलो। तो अच्छी बात, अच्छी जगह पे ऐसी चीजें पहन के न जाए, लेकिन चोरा गर्गणिम, चोरों के सरदार की कथा है ये, ठीक है। तो भगवान को जब जन्म भयो ब्रज में, सब ब्रजवासी बाबा को बधाई देवे आए, याचिका ने वाचंते बोधयंती ग्रहे ग्रहे, बाबा ने जो भी याचक बन गया है सबको याचक किया, मतलब जो चाहते थे वो सब दिया, पर जिन्होंने कन्हैया का दर्शन कर लिया उन्होंने बदले में वो जो मिला वो रखा ही नहीं, वो वहीं लुटा दिया, वहीं छोड़ के चले आए, क्योंकि तुम मिल गए तो फिर और क्या चाहिए। ऐसे ही बधाई होती रही। अचानक से एक दिन कंस की मुंह बोली बहन पूतना, नंद जी वसुदेव के वचन पर विश्वास करके आशंका से भगवान का ध्यान करने लगे। कंस को कर चुकाने के लिए गए थे तो वहां वसुदेव जी से भी मिले, तो वसुदेव जी ने कुछ कह दिया कि इतनी जल्दी घर छोड़कर क्यों चले आए हो, कंस का अत्याचार या कंस का प्रकोप ब्रज पे हो सकता है, आप जल्दी से चले जाओ। तो नंद बाबा वसुदेव जी के वचनों को विश्वास में रखकर भगवान की प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे ब्रज को संकटों से मुक्त करना, और गोकुल के लिए चल दिए। उधर में बालघातनी पूतना रूप बदलकर श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुल पहुंची। देखिए भगवान को भी परेशानियां कम नहीं सहन करनी पड़ी। इस जगह का नाम ही है दुखालय, जहां हम और आप बैठे हैं, मृत्यु लोक दुखालय इस स्थान का नाम है। दुखालय का मतलब है कि दुख ही दुख है यहां, सुखालय नहीं है, ये दुखालय है। यहां आने में भी दुख होता है और यहां से जाने में भी दुख होता है, होता है कि नहीं। अभी हमें याद नहीं है जन्म के समय कितनी तकलीफ हुई थी, क्योंकि अभी तो हम लंबे कट्टे अट्टे कट्टे हो गए ना, तो अभी तो हमें याद ही नहीं कि जन्म के समय हमें कितनी तकलीफ हुई थी, और मृत्यु की तकलीफ अभी हमने देखी नहीं है, तो उससे भी दूर बैठे हुए और इससे भी दूर बैठे हुए, उसे भूल कर बैठे हुए हैं, वो देखा नहीं है इसलिए बैठे हुए हैं। लेकिन सच यह है जन्म में भी अपार दुख होता है और मृत्यु में भी अपार दुख होता है, भयंकर दुख होता है। कभी बिच्छू काटा है यहां कोई ऐसा बैठा है जिसको बिच्छू ने काटा हो कभी? अरे कई बैठे हैं बाबू जी, आप खड़े हुए आगे आइए थोड़ा, बस कितने साल पहले बिच्छू काटा है जी? 16-17 साल पहले। अच्छा 16-17 साल के थे तब काटा, या नागपुर में ही गांव में? क्या आप थोड़ा सा भी बता सकते हैं तकलीफ कितनी होती है?
क्या करना पड़ता है? इधर आओ, माइक वाले के पास आओ, भक्के। नहीं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ हमारी बातों में लोग, कई बार जो यंगस्टर्स होते हैं कहते लॉजिक नहीं है, तो एक माइक इनको दे दो, थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए कि जब बिच्छू काटता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, तो कैसा तकलीफ होता है? अब माइक में नहीं, माइक को बुलवाया था आपको। इतना तकलीफ होता है जैसे लगता है कि हमको कहाँ काटा, हमको खुद को पता नहीं है, पूरी शरीर में तकलीफ हो जाती है। क्या होती है पूरे शरीर में? यहाँ से काटा था, हाँ, और वो पता ही नहीं चला कहाँ कहाँ चले गया, अंदर ही अंदर घूम रहा था, अंदर ही अंदर घूम रहा था। अंदर ही अंदर कौन घूम रहा था? बिच्छू, जहर जहर। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो हम सब देख लेंगे, घुमा घुमाई तो देख लेंगे। तकलीफ कितनी होती है वो बताओ? बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि मर जाना पड़ता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। तो रोए थे आप उस समय? बहुत नहीं, ज्यादा रोया था। अरे बहुत ज्यादा, रात भर रोया था। हैं? रात भर रोया था। फिर कैसे ठीक हुए? अब वो झाड़ने वाले आए थे यूपी में, गांव में झाड़ने वाले कोई आया था, उसने झाड़ा था, झाड़ दिया फिर। हाँ, वो उसके झाड़ने के बाद धीरे धीरे कम होते गया और मैं रोते गया। मैं ऐसा सोचता था आप, और एक मिनट, आप तभी हंस रहे हैं क्योंकि आपको काटा नहीं है। अगर काट लेता ना तो मैं, चलो बाद में बताऊं। हाँ जी, काली बिच्छू थी, काली थी, काली वाली थी। आपने रंग भी देख लिया? हाँ, रात को लालटेन के सामने, लालटेन के मिल भी गया वो। हाँ, लालटेन के सामने। चलो बस ठीक है, धर दो, धन्यवाद। अब मैंने इनको इसलिए बुलवाया, दो मिनट मैंने इसलिए इनको दिए, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग कई तो बिच्छू को जानते नहीं होंगे, कॉकरोच को जानते, बिच्छू से मतलब ही नहीं, पाला ही नहीं पड़ा। अब जब तक पाला ना पड़े किसी मुसीबत से, तब तक उसका पता चलता नहीं है। सच यह है कि बिच्छू के काटने से पूरे शरीर में जो भयंकर दर्द होता है, वेदना होती है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कितना भी पावरफुल हो, वो चीख चीख के रोता है, बच्चे से भी बुरा तरीके से रोता है, असहनीय पीड़ा होती है। एक बिच्छू काटे तो इतनी तकलीफ होती है, लेकिन जन्म के समय और मृत्यु के समय उस हजारों बिच्छुओं जैसा कष्ट होता है। मृत्यु के समय तो ऐसा कष्ट होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे हो। ये अभी हम जिंदा हैं, वन डे वी विल डाई, एक दिन मरेंगे, लेकिन क्या सब सबको होता है? बोले नहीं, भगवान के भक्तों को ये तकलीफ कभी नहीं होती। इस वेदना का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो भगवान के भक्ति से दूर है। जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हें ये वेदना का सामना, मृत्यु तो होती है लेकिन इस वेदना का सामना वो नहीं करते, इस कष्ट का सामना वो नहीं करते। इसलिए जब तक जीवन है तभी तक समझने का सौभाग्य है, जीवन जाने के बाद समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब ते किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लागे लगन राम से छूटी। सब लोग सर सर कहलवाना चाहते हैं, यस सर कहलवाना चाहते हैं, मालिक आपकी मेहरबानी कहलवाना चाहते हैं, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है ये कहलवाना चाहते हैं, खुद का जाप करवाना चाहते हैं, लेकिन भगवान का जाप करते ही नहीं है, यही किस्मत फूटना है। सबसे बड़ा बदकिस्मत कौन? जो भगवान का भजन न करे, चाहे वो कितने भी बड़े मकान में रहता हो। जो धर्म का सगा नहीं है वो जीते जी जिंदा नहीं है, वो मरे के बराबर है। इसलिए अपने गोविंद से रिश्ता रखो। मुसीबतें तो आएंगी, ये दुखालय है, इस जगह का नाम है दुख, ये दुखालय है, तो दुखालय में तो दुख मिलेंगे, तो लेकिन दुखालय में भी सुखी अनुभूति हो सकती है अगर हम अपने गोविंद को पहचान लें, अगर हम अपने गोविंद को उसे अपना बना लें, उसे अपना मान लें, तो सुख की अनुभूति हो सकती है तब भी। तो बंधु पूतना, जिन कृष्ण की बात मैं कर रहा हूं, सबसे पहले
आपका जब जन्म होता है तो आपके घर वाले पता नहीं क्या क्या खिलाते पिलाते, माँ का दूध मिलता है ना, ढोल बजते बाजे बजते पार्टियां होती हैं। लेकिन जब कन्हैया का जन्म हुआ तो हुआ कारागार में, भगवान प्रकट हुए कारागार में। जन्म से पहले जिनके 6 भाइयों को मार दिया गया हो, जिसके माता पिता ही जेल में रहे हो, शादी के बाद जिसने अपनी ससुराल ही ना देखी हो, ऐसे उनका माँ का, देवी की माँ जो है कृष्ण की माँ, जिन्होंने अपनी ससुराल ही नहीं देखी शादी के बाद, सीधे कारागार में। ऐसे माता पिता के घर में प्रकट हो गया है ठाकुर जी। हम लोगों के यहां थोड़ी थोड़ी समस्या आ जाए तो हम कहते क्या फायदा भजन करने का, संसार में आए हैं तो दुख खाले है, दुख तो मिलेंगे ही, लेकिन उन दुख से लड़ने की शक्ति परमात्मा दे, सामर्थ्य दे, ऐसे भजन करने से ये भी फल मिलता है, तुम्हें सामर्थ्य मिलती है। पूतना रूप बदल के गई और रूप बदल कर यशोदा मैया से कहने लगी, मैं तेरी बहन हूं। और जब बहन कहा तो मैया ने उनका स्वागत किया, और मैया ने जब उनका स्वागत किया तो कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना के लाती हूं, तब तक तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो, 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 नेक होले जोटा दीजो, नेक धीरे धीरे जोटा दीजो, नेक होले जोटा दीजो, नेक धीरे धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला ओ मेरो लाला ओ मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले जोटा दीजो। भोजन बनाऊंगी, तू मेरे लाला को ध्यान रखियो, देख मेरो लाला रोवे नहीं, बड़े ध्यान ते मेरे लाला को खिलाइयो। बोले चिंता मत कर, तू जा, ऐसे खिलाऊंगी कि फिर तो खिलावे की जरूरत ही ना पड़ेगी। पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा के आई है, कालकूट विष। मैया यशोदा तो चली गई और स्वयं कन्हैया पलना में झूल रहे हैं, पूतना आई वाते पहले ही कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पहले तो हम यह बात पे ध्यान दें कि भगवान ने उसी वक्त ये निर्णय ले लिया कि जो मुझे विष पिलाने आई है मैं उसको परम गति प्राप्त कराऊंगा। जो गति मैंने मैया यशोदा के लिए निश्चित कर रखी है वही गति मैं इस पूतना को दूंगा, जो मैया को देनी है बाद में इसको मैं आज ही दे दूंगा। तो एक बात तो कंफर्म होती है, परमात्मा बड़ा दयालु। कोई किसी भी भाव से भगवान के पास जाए तो परमात्मा निश्चित तौर पर उसका कल्याण ही करते हैं, किसी भी भाव से। अधिकांश उदाहरण इस बात के हैं, चाहे किसी ने कितना भी बैर भगवान से किया हो, कितना भी,
लोगों को भगवान ने, राक्षसों को भगवान ने मारा भी है, तो भी अंत तो गत्वा मारने के बावजूद भी भगवान ने उनकी सदगति की, उनका कल्याण किया, ऐसे दयालु है। अब हम लोग कहां फंस जाते हैं, देखो हम लोग फंसे एक चक्कर में। रावण को पता था कि मैं राम का बैरी हूं, और विभीषण को पता था मैं राम का भक्त हूं, ठीक है। तो विभीषण का कल्याण हो गया भक्ति के कारण, रावण का कल्याण हो गया शत्रुता के कारण, क्योंकि शत्रुता का भी तो संबंध था ही ना भगवान से। हम लोग कहां फंसे हैं, बोले कि हम लोग ना तो पापियों में गिनने ना चाहते अपने आप को, और ना ही भक्तों में हमारी गिनती आती है। समटाइम्स वी आर डूइंग सम गुड वर्क्स, समटाइम्स वी आर डूइंग रॉन्ग वर्क्स। कभी हम धर्मात्मा बन जाते हैं, कभी हम शाम को 5-6 बजे पापी भी बन जाते हैं, दरवाजा लगा के लगे हैं पीने खाने। बोलो हाँ या ना। और कितने लोग तो आपको ये मिल जाएंगे ये कहते हुए, आज मंगलवार है हम आज नहीं पीते। ट्यूजडे आई डोंट टेक ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, बिकॉज टुडे इज ट्यूजडे। अब ये कोई बात हुई, आज मंगलवार है तो मैं नहीं पीऊंगा, आज मैं नहीं खाऊंगा, बाकी के बार जो है शनिवार, शनि की टेढ़ी नजर हो गई तो खाने लायक भी रहेगा। ईमानदारी से बताओ, मंगलवार का तो हनुमान जी की गदा से तुझे डर है तो नहीं खाया तूने, लेकिन शनिवार को अगर शनि की नजर टेढ़ी हो गई फिर क्या होगा। तो ये बात कहना, ऐसे धर्मात्मा ये भी कहते हैं हम धर्मात्मा है, तो कभी हम धर्मात्मा बन जाते कभी हम पापी बन जाते, इसलिए हम फंसे हुए हैं, वी आर डबल माइंडेड। एक तरफ जाओ या तो इधर या इधर, एक साइड जाओ ना, या तो रावण बन जाओ या विभीषण बन जाओ। हम लोग जनता को दिखाने के लिए विभीषण बने बैठे हैं, और अंदर तो रावण का बाप बैठा हुआ है। रावण भी कम भक्त नहीं था, अपना सर काट काट के शिव को चढ़ाना ये आसान बात है क्या, आप चढ़ा के दिखाओ उंगली भी काट के। जिस रावण को हम लोग हर साल जलाते हैं साहब, और मैं तो देखता हूं कि बड़े बुरे लोग रावण को जलाने जाते हैं। मैं अमरावती में आया था कुछ समय पहले, जब आया था तो अमरावती में दशहरा था, उस समय लोग रावण को जला रहे थे, मेरे से मुझे ले गए, मुझे पता नहीं था क्यों ले जा रहे हैं। तो हम लोग तो अच्छा महाराज चलिए चलिए चलिए, तो चलिए हम चले गए, और हमारे हाथ में धनुष बाण पकड़ा दी। मैंने ये क्यों पकड़ा रहे, बोले रावण के पुतले पे आप बाण चलाओ। मैंने क्यों चलाएं भाई, बोले महाराज हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया है इसलिए आप चलाओ। मैंने भैया किसी और को बनाओ चीफ गेस्ट, ये बाण हम पे नहीं चलेगा। हम लोग कितना भी भजन कर लें पर रावण की तपस्या के एक तिनके के बराबर हम लोग आज कोई नहीं है। जिसने सर काट का, हाँ बुरे कर्म की वजह से उसका अपमान हुआ, बुरे कर्म दो चार जो बुरे कर्म थे उसके, जिसकी वजह से वो आज तक बदनाम है, जिसकी वजह से वो आज तक जलाया जाता है, लेकिन उसकी खूबियां भी कम नहीं थी। सीता पराई स्त्री है और लंका में है, इसके बावजूद भी सीता की इच्छा के बगैर सीता को टच नहीं किया। आज की बहन बेटियां चाचा ताऊ भैया के हाथों सुरक्षित नहीं, एक घर में जा रह रही है वहां सुरक्षित नहीं। बोलो रावण बुरा कि हम बुरे, बोलिए कौन बुरा। घर में सुरक्षित नहीं है बच्चियां, औरों की तो बात छोड़ दीजिए, बाहर की हम लोग कह रहे बार बार बाहर छोड़िए ना, घर में झांकी। और मेरे पास प्रूफ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। बाप का प्रूफ है, दादा का प्रूफ है, सगे भाई का प्रूफ है, चाचा ताऊ मामा तो बहुत दूर की बात है।
इतना जघन्य पाप इस संसार में समय हो रहा है और हम रावण को जलाते हैं। तो मेरा अभिप्राय यह है कहने का, एक साइड जाइए, या तो रावण बन जाइए या विभीषण बन जाइए। डबल नाव में पांव रखोगे तो डूबना ही कन्फर्म है। डबल नाव में पांव हमारा है, इसलिए हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसलिए पूतना को भगवान ने निर्णय कर लिया कि इसका कल्याण करना है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने पूतना को देखा भी नहीं। मैंने हर कथा में ये बात आपको बताई है, इसलिए बताता हूं जिससे हम लोग कुछ सीख सकें। राम अवतार में सुपनखा को नहीं देखा है राम जी ने, और कृष्ण अवतार में पूतना को नहीं देखा है कृष्ण जी ने। क्यों नहीं देखा है? इसकी वजह है कपट। दोनों जैसी थी वैसी होके गई नहीं, जैसी बन के गई वैसी दोनों थी नहीं। पूतना बालघात नहीं और बन के सुंदर गई। हमें भी भगवान, कई बार हम लोग कहते हैं भगवान, हम तो भगवान का दर्शन कर ही आते, पर भगवान हमें देखता है कभी? क्यों नहीं देखता है भगवान? नामदेव जी का तो नाम सुना ही होगा आपने, महाराष्ट्र में सुना। नामदेव जी के पिताजी, नामदेव के पिताजी लड्डू गोपाल की बहुत पूजा किया करते थे, बहुत। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कहीं जाना पड़ा, तो नामदेव जी के पिताजी ने नामदेव को बुलाया और कहा, बेटा मैं जा रहा हूं, लड्डू गोपाल जी की पूजा तुमको करनी है, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए बगैर तुम खाना मत कुछ। बोल ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए और लड्डू गोपाल जी की छवि के सामने नामदेव बैठ गए। स्नान कराया, आरती करी, दूध का गिलास लेके आए। दूध का गिलास लेके आए तो नामदेव जी ने भगवान से, उनको तो वो बच्चे थे उस समय, उनको लगा जैसे हम पीते वैसे नाम भगवान भी पीते होंगे। उन्होंने गिलास रख दिया, बोले ले जी आप पी लो गोपाला, पी लो। अब गोपाला क्या ऐसे पीवे? ऐसे थोड़ी पीता है गोपाला। हमारे यहां संतों का मानना है भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं, भगवान की दृष्टि पड़ती है, गंध का भोग लगाते हैं, वस्तु का नहीं। समझ गए? मंदिर बनाते समय मंदिर में हर चीज बनती है। कभी आपने देखा है मंदिर में बाथरूम बनते हुए? बाथरूम उनको चाहिए जो अंदर वस्तु लेते हो। भगवान वस्तु को अंदर लेते ही नहीं, भगवान तो सिर्फ गंध का भोग लगाते हैं। इसलिए नामदेव जी को लगा कि भैया बाबा तो आपको रोज खिलाते थे, तो उनके हाथों से तो आप खा लेते थे, हमसे नहीं खा रहे हो, हमसे कोई गलती हो गई। और थोड़ी देर हो गई और नामदेव जी जिद करने लगे। अब वो कहने लगे, महाराज कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कोई अपराध हुआ? पिताजी आएंगे तो क्या कहेंगे महाराज? अगर आपने भोग नहीं लगाया तो पिताजी हमको घर से बाहर निकाल देंगे। नामदेव रोने लगे। भक्त की इस भावना पे, इस सरलता पे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मूर्ति में से स्वयं प्रकट हुए और उसके हाथ में से वो दूध का गिलास लिया और भगवान स्वयं पी गए, दूध को पी गए। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारा भजन करते हैं सब लोग, इसमें सब आ जाते हैं, सारे देवी देवता आ जाते हैं। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण
कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण Oh,
क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।